अनंतनाग से शुरू हो रहा ये मेडिकल कैंप साउथ कश्मीर के कुलगांव, सोपियां और पुलवामा, इन चारों जिलों में संपादित होगा और स्पेशलाइज्ड सर्जरी इस कैंप में की जाएगी। मुझे बताया गया है कि शुरुआत में ही 2000 से ज़्यादा मरीजों के पंजीकरण कर लिए गए। अभी जैसा बताया गया कि ऑप्थमोलॉजी, जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ENT, प्लास्टिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी और कैंसर की भी सर्जरी, अनेक विशेषज्ञ आए हैं और इसका लाभ सामान्य व्यक्ति को मिलेगा। मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोटरी का जो योगदान है, देश नहीं पूरी दुनिया उसकी सराहना करती है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी ये कोशिश करता है और हर प्रकार की कोशिश करता है कि जन स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो अच्छे ढंग से सामान्य व्यक्ति तक पहुंच सकें और लोग क्वालिटी लिविंग लोगों की सुनिश्चित की जा सके, इसका हर प्रयास हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट करता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट जम्मू कश्मीर को मिले हैं, उसमें कई फंक्शनल हो गए हैं, कई फंक्शनल होने की प्रक्रिया में, मैं समझता हूँ कि वो जल्द ही पूरे हो जाएंगे। तो सरकारी स्वास्थ्य सेवा की दृष्टि से मैं कहूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा काफ़ी बेहतर है।